शेर आप लोग देख रहे हैं, मेरे बाबा साहब का शौक है। तकरीबन अभी 20 महीने के हो चुके हैं। 1996 में सीने गिफ्ट में दिए थे, बस उनका शौक हुआ हमारे साथ 22-23 साल रहा। फिर वो जब नहीं रहे तो बहुत बोर होते थे, मैंने बड़ी कोशिश की इधर उधर से, लेकिन फिर ये मिल गया। ये ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं बकायदा कराची के पोर्ट पे, ये लाइसेंस आता है इसका, बकायदा टैक्स होता है। छोटे से थे तकरीबन, ये 2 माह के थे यहाँ पे। फिर हम लोग उसको दूध पिलाते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये अब बड़े हो गए। पेशावर वाले भी मैंने देखे थे, वो लोग मेरे ख्याल में खुराक उसको कम दे रहे हैं या उसको सही तरह नहीं पाल रहे हैं। हम लोग उसको खुराक भी अच्छी तरह से दे रहे हैं और ये एक जगह पे उसको हमेशा हम लोग नहाते, गर्मी में उसका ख्याल रखते हैं, इसी वजह से मेरे ख्याल में ये उसे काफ़ी अच्छे नज़र आते। पहले जब मेरे बाबा साहब है उन्होंने वो कर दिया था हमला, थोड़ा जख्म वख्म आए थे, लेकिन बाद में ये आदि हो गए। खाम खा जंगली चीज़ है, तो भरोसा नहीं उसको आदि करना, अभी वक्त मांगता है। हमारे साथ अभी तकरीबन 2 साल हो रहे हैं इनके ना, ये पहचानते हैं हमें कि ये हमारे घर का है। हम 24 घंटे आते जाते हैं, उसको बारात वो फेर लेते हैं ना, तो ये महसूस करते हैं कि हमारे अपने हैं। और बाकी जो बाहर के लोग आते हैं इसको पता होता है, इसको में भी इतना शऊर है कि ये हमारा अपना नहीं है, तो इसलिए उस पर हमलावर होते हैं। बंदे ये कंधार से आए हैं, वो स्वात से आए हैं, मालाकंड से आया है ये बंदा, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं शो के लिए। जब भी कोयटा में उनके अपने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए जब ये विजिट करते हैं तो फिर यहाँ हमारे लिए चक्कर भी ज़रूर लगाते हैं। ये वफादार है, हमने महसूस किया ये तकरीबन 20 साल पहले, जो पहले हम एक पाल चुके हैं, ये हो गया 2 साल से ये पाल रहे। वैसे तो बज़ाहिर वेशी हैवान लगता है, लेकिन ये बड़े प्यार और मोहब्बत वाला चीज़ है।